अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? सब आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है ईद और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी सब नमाज पढ़ने चले गए हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सीर बना रही हूँ और ये बना रही हूँ मैं कस्टर्ड। बस दो चीज़ें बनेंगी, सीर और कस्टर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा क्योंकि फिर कुर्बानी हो जाएगी तो फिर इतना कुछ खा नहीं पाएंगे, तो बस दो आइटम बन रहे हैं। तो अभी यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और अंदर सानिया तैयारी कर रही है ड्राई फ्रूट की, ड्राई फ्रूट काट रही है और कस्टर्ड के लिए फल काट रही है। ड्राई फ्रूट नीचे रखना है और कस्टर्ड के लिए फल काट रही है। और मैं यहाँ बना रही हूँ और अम्मा बैठी हैं ऊपर बकरे के पास, बकरा केला है, ये सब नमाज पढ़ने गए हुए हैं तो बकरा केला है। अभी सानिया बना रही कलेजी, कुकिंग कर रही है, कुकिंग। आज मेरा भी कच्चा ना, लेकिन पापा का हो गया, पापा का बाग खून खराबा देख का हुआ। यूनुस का ना, नसीम का ना आया, सर नसीम का ना आज ही हो रहे हैं, वो ऊपर की वजह से ना करते। कैसी हो रही सीर? अच्छी दिखा सीर। पल्लू मेरे लिए ना एक पू लेके आई हो, ट्यूब है, और छोटी अम्मी बता रही थी कि दाने हो रहे हैं ना उससे चले जाएंगे। क्या होती है मतलब उस वो शाइन अप पे भी वही लगा रही थी जिसकी वजह से चले गए। बहुत मोटा दाना हो रहा तेरे, कह रही जड़ से ही खत्म हो जाएगी वो बिल्कुल। गोरे बजाओ उससे, गोरे नहीं होते सिर्फ एक में जाते हैं। सो कैसी आपकी ईद कटी? वहाँ नहीं है काली टेप। सो गाइस हमारी ईद बहुत बेकार कटी आज, हमारे अब्बा के चोट लगी बहुत ज्यादा। नमाज, ये आपका कुरियर ब्रदर जी, ये हमजद अपार्टमेंट कहाँ पे है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में कहाँ पे बताओ? जनता मेडिकल स्टोर है, मेंस हॉस्पिटल देखा है? अंदर घुसते ही सीधे हाथ को पहली वाली गली। अंदर जैसे गली में घुसोगे ना तो फर्स्ट गली आएगी, फैमिली हेल्थ केयर सेंटर लिखा है बाहर गली के ही। अच्छा। हाँ, उसके अंदर घुस जाना और फिर मेरे को फोन कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक, आराम। तो भाई जो रियान का ऑर्डर आया है, ओहो भाई साहब की लाओ में पैसे दे दो। मैं क्या ऑर्डर आया तेरा? कवर आया है। चलो सही है, फोन पर कवर लग जाएगा। एले फजाई, एले फजाई अम्मी लाओ मेरे सीरे दे दो, टेप पता ना कहाँ, वो मुझे लग रहा बैंड में रख दी थी। बैंड शायद ले, मैं तो फोन उठा था ना, मैं कंपनी का सोच रहा, 72 कर कंपनी का। यहाँ अम्मी दियो सीर। सीर कहाँ है तेरी? ऊपर रखी है आपके, बिल्कुल रहने दो रहने दो रहने दो, गिर जाएगी। सच में गिराई दूंगी मैं, ऊपर ही गिरा होगा। गाइस मैं कह रही थी हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, सुबह जब नमाज पढ़ने जा रहे थे अब्बा तो ठोकर उनका ना पैर लग गया जाल में और गिर गए, बहुत ज्यादा चोट आई है उनको और हम हो गए परेशान। आज ना रियान के पापा अपने पापा की वजह से परेशान हो रहे हैं ना, तो पापा के पास परेशान हो रहा, चोट लगी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बच्चा है, स्ट्रॉन्ग बच्चा है। जब बकरा कह रहा रो रहे हैं, रो रहे गहरे कह रही है, अफसानाबाजी में कह रही है कि आज भाई में कहे भाई कैसे उदास से हो रहे हो तुम आज, बोला आज मेरा जो ऐसी है सुबह पापा को चोट लगी, बोले हाँ बता तो रही भाई जब गिरूँ जब गिर ना गए अब फिर लग गया चोट। अच्छा जो कोई बात ना तो परेशान मत, बोला आज मेरा जी ऐसी हो रहा। कपड़े तो कपड़े दाम रिपेयर गए, कैसा लग रहा हमारा तू ब्रांड नहीं है, कहाँ से निकाला? सही लग रहा, दूसरा पहना हुआ ये कहाँ से? बहुत सोन बहुत देखने गए ना मोनू की। देखो मैं बना रही हूँ टिक्की, और दान तो दे दे मेरा रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते वाली शेप, चेहरा दिखा दो अपना, कल ईद थी और कल हमारा कोई भी ब्लॉग नहीं बना क्योंकि हमारे अब्बा के चोट लगी थी तो हम कभी वीडियो नहीं बना पाए, इस वजह से आज बना रहे कोफ्ते बनने अम्मा के बकरे के गोश्त। अम्मा बड़े गोश्त नहीं खाती हमारे,
बस मैंने एक कोफ्ता मिक्स करा पड़े गोश्त में। कपलाबाजी करनी है? कपलाबाजी मत कर। सही सुबह दो दांत चार कहाँ चलेगी? दो बीच का खा लो इसी वजह मैं ना खड़वा कैसे इसी वजह तुम रात चम्मच से खा रही हो मैं क्योंकि जो आगे के दांत है उनसे ऐसे ना खाया जाता ना चम्मच से खाया जाता। चलो कोई बात ना हमारे भी टूटेंगे जल्दी। आप मैं जैसे उखलवा रही है दो दो आजकल तो टाइम से पहले बीमारी लग रही है दांतों में। तुम्हारा तो फिर बहुत दिन चल गई कहा पारिया कहे पारिया वो लगे मेरे में दांतों में पारिया लग जाए उनसे मेरे एक जांच के लिए खबर ना पड़ी पेट में गया का। अच्छा जी बिल्कुल एक की ऐसे बिल्कुल अपना आप ही निकल गया पता ही ना चली। सानिया क्यों बैठी है तू ऐ दिखाई तेरा पिंपल कैसा हो गया बड़ा थोड़ा बहुत ना बड़ा। सानिया का एक पिंपल ठीक होता दूसरा निकल गया था। पिंपल हो रहे सानिया के पिंपल चेहरे पे इसे देखो न्यू सैंडल पहन के न्यू सैंडल सो गाइस आज ये सब लोग जा रहे हैं दादी पोते पोती सब जा रहे हैं मैं अकेली रहूंगी मैं कर लाऊंगी अकेली मौज काटूंगी। हाँ तुझे पता मौज काटूंगी काम कितना रहेगा कपड़े सिलूंगी भी तो मैं। चलो हमारी जिंदगी में कहीं मौज है यहाँ भी काम वहाँ जाके भी काम मौज काम ही काम काम ही काम मार मत। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे रिंग गिफ्ट करी थी फ्रेंड है मेरी बहू है बेटा की बहू है लेकिन फ्रेंड बन गई ये बेटा की बहू ने गिफ्ट करी थी चांदी की रिंग डिजाइन तो अच्छा है इसका छीनी तो ना गिफ्ट करी छीनी गिफ्ट करी अल्लाह मेरी तौबा है मैंने नहीं छीनी छीनी वो है ना